मोबाइल है भारी, हाथ है दुखियारी, पर मोबाइल से ना छूटे यारी, इसीलिए आई है प्यारी बिल्ली हमारी। हेलो फ्रेंड्स, आज फिर आपके लिए लेकर आई हूँ मैं एक मज़ेदार क्राफ्ट। मज़ेदार के साथ साथ एक यूजफुल क्राफ्ट भी है। जी हाँ, जब फ़ोन चलाते चलाते आपके हाथ थक जाए, आपके हाथों में दर्द होने लग जाए, तो बुला लीजिए इस क्यूटी कैट को। ये आपका ना सिर्फ मोबाइल उठाएगी, साथ में आपके साथ वीडियो भी देखेगी। दोस्तों, मैं हूँ आपकी प्यारी सिंकी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं सिंकी सीरू। आइए दिखाते हैं अपने हाथों का जादू और बनाते हैं इस क्यूटी कैट को। यहाँ पर मैंने दो एल्यूमिनियम वायर लिए हैं और उनको एक कर्व शेप में मोड़ लिया है, और ली है एक पॉलीथीन, सिर्फ और सिर्फ एक पॉलीथीन। एल्यूमिनियम वायर को जिस कर्व शेप में हमने कर रखा है, उसी कर्व शेप में पॉलीथीन को एडजस्ट करते हुए टेप से चिपका लेना है। वायर और पॉली बैग को अटैच करने के बाद आप देखेंगे कि एकदम ये जैसे कि हमारी कैट जिस कर्व पोजीशन में लेटी हुई है ना, वही कर्व पोजीशन का स्ट्रक्चर, सेम वही स्ट्रक्चर का बेस हमें मिल गया है। बॉडी बेस रेडी हो गया है, अब हम इसके हेड का भी बेस बना लेते हैं। हेड का बेस बनाने के लिए सिंपली मैंने एक पेपर लिया है, उसको तोड़ मरोड़ के एक बॉल शेप में कन्वर्ट कर लिया है। हेड का मेजरमेंट हमें बॉडी के अकॉर्डिंग रखना है। अब क्योंकि ये पेपर है तो जल्दी ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको एक पॉलीथीन में कवर करके टेप से चिपका लिया है। आपने अभी तक एक चीज़ नोट की, मैंने यहाँ पर जिन भी चीज़ों का इस्तेमाल किया है वो वेस्ट मटेरियल से हैं ज़्यादातर, सिर्फ और सिर्फ टेप को छोड़कर और वायर को छोड़कर। वायर भी कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में पड़े होते हैं, पर कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं भी पड़े होते हैं। अगर आपके पास वायर नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एक प्लास्टिक की बॉटल को हाफ कट करके भी इसका बेस बना सकते हैं। यहाँ मैंने वॉल पुट्टी का यूज़ किया है। वॉल पुट्टी आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप पे आसानी से 40 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से मिल जाएगी। वॉल पुट्टी डो कैसे बनाया जाता है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर आपको मिल जाएगी। अब जैसा कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि वॉल पुट्टी क्ले क्राफ्ट में हम हमेशा सरफेस बाई सरफेस वर्क करते हैं, मतलब ये हमारी पहली सरफेस है और पहली सरफेस को हमने वॉल पुट्टी डो या क्ले से कवर कर लिया है, और पानी की हेल्प से हमने वॉल पुट्टी क्ले को सरफेस से चिपका लिया है। अब हम बॉडी बेस को ड्राई होने के लिए रख देंगे, और जब तक ड्राई नहीं हो जाएगा तब तक हम सेकेंड लेयर नहीं चढ़ाएंगे उस पर। अब हेड को रेडी करने के लिए सबसे पहले हेड को पूरा कवर कर लेना है वॉल पुट्टी क्ले से, और वही सेम प्रोसेस है, जहाँ जहाँ क्ले का जॉइंट है उसको पानी की हेल्प से स्मूथ कर लेना है। और जैसे कि हम कैट बना रहे हैं तो कैट की बॉडी पर हेयर्स बहुत होते हैं, हेयर बनाने के लिए आप यहाँ पर किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, जैसे नाइफ़ यानी कि चाकू, टूथपिक, सेफ्टी पिन या फिर क्ले मॉडलिंग टूल्स। और ड्राई होने के बाद अब इसके ईयर्स बना लेते हैं। बिल्ली के कान बनाने के लिए हम एक पतली लेयर लेंगे वॉल पुट्टी क्ले की, और उसको फोल्ड करते हुए उसके हेड पर लगा लेंगे, और पानी को यूज़ करते हुए बस उसको चिपका लेंगे। और हाँ दोस्तों, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं ना, जिस टाइम पर कर रहे हैं, जैसे कि कैट की पूरी बॉडी पर हेयर होते हैं तो हमें पूरी बॉडी पर सूखने के बाद तो हम नहीं बना सकते, इसलिए जब वो गीला होगा ना उसी टाइम हमें उसके हेयर वगैरह बनाने हैं। आपको पता है इस क्राफ्ट को रेडी करने में मैंने लगभग 250 ग्राम से भी कम वॉल पुट्टी यूज़ की है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पूरे क्राफ्ट का जो खर्चा आया है ना वो लगभग 10 से 20 रुपए का ही होगा। अब सोचिए आप, 10 से 20 रुपए में इतना अच्छा क्राफ्ट अगर आप बना सकते हैं तो कितनी अच्छी बात होगी। हाथ और पैरों को मैंने अलग से बनाकर सुखा लिया था।
हाथ और पैर बनाने के लिए मैंने जो वायर यूज किए हैं, आप चाहे तो विदाउट वायर भी इसके हाथ और पैर बना सकते हैं। और मैंने जो हाथ और पैर बनाकर रखे हैं वो कोई फाइनल स्टेज नहीं है। वही जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ कि हमें एक बेस रेडी करना है, किसी भी चीज़ का बेस रेडी करना है। यहाँ सारी ही चीज़ें हमारी ड्राई हो गई हैं। वॉल पुट्टी पेस्ट से मैं इस हेड को चिपका लूँगी और किसी चीज़ के सपोर्ट से इसको 4 से 5 घंटे के लिए रख दूँगी। सेम प्रोसेस मैं हाथ और पैरों के लिए भी करूँगी। हाथ और पैरों में आप किसी भी चीज़ का सपोर्ट ले सकते हैं, कपड़े का, पेपर का, या फिर कोई और भी चीज़ जो भी आपके घर में पड़ी हो। और ड्राई होने के बाद हाथ और पैरों की फाइनल प्रोसेस करिए। फाइनल प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले ये देखना है कि कैट की एनाटॉमी कैसी होती है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसा जैसा उसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें वॉल पुट्टी क्ले यूज़ करनी है और उसको पानी की हेल्प से चिपकाते चले जाना है और साथ ही साथ बॉडी के हेयर भी बनाते चलना है। मैंने इसकी टेल बनाने के लिए पहले ही एक वायर वॉल पुट्टी पेस्ट से चिपका दिया था। आप अगर बिना वायर के इसकी टेल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको टेल के शेप में वॉल पुट्टी क्ले को यूज़ करना है और उसको किसी भी पॉलीथीन या उस पर रख के सुखा लेना है। जब वो पूरी तरह ड्राई हो जाएगी उसके बाद उसको वॉल पुट्टी पेस्ट से, जैसे कि मैंने वायर चिपकाया था, वैसे ही आप उस वॉल पुट्टी क्ले के सूखे हुए पार्ट को चिपका सकते हैं। वॉल पुट्टी से बने क्राफ्ट को बहुत संभाल के रखना पड़ता है क्योंकि ये गिरने पर टूट जाते हैं, इसलिए मैंने हाथ, पैर और ये इसकी टेल में वायर यूज़ किया है। वॉल पुट्टी क्ले का यूज़ मैं इसलिए करती हूँ कि सबसे पहली बात ये सस्ती बहुत आती है, दूसरी बात, और जब भी आपको क्राफ्ट पर वर्क करना है तो ये इंस्टेंट क्ले 2 मिनट में रेडी हो जाती है, ना ज़्यादा झंझट ना ज़्यादा खर्चा। जब कम खर्चे में काम हो रहा है तो फालतू खर्चा क्यों करना, और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। अभी तक आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर क्राफ्ट्स के साथ साथ और भी बहुत कुछ सीखने को है, तो जुड़े रहिए सिंकी सीरू के साथ। देखिए कैट तो अभी से सुंदर लग रही है, कलर होने के बाद जब मोबाइल पकड़ के बैठेगी तब कितनी सुंदर लगेगी। तो दोस्तों अपने हाथों का हुनर दिखाइए और इससे भी ज़्यादा अच्छी बिल्ली बनाकर दिखाइए। ये ब्यूटीफुल कैट क्राफ्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ड्राई होने के बाद इस वाइट कैट को ब्लैक करते हैं। कैट के तो बहुत से कलर होते हैं, ब्लैक भी होती है, वाइट भी होती है, ब्लैक एंड वाइट भी होती है, ना जाने कितने ही कलर की होती है। वैसे ये तो प्रकृति का नियम है कि किस कलर की होगी, पर यहाँ तो हमारा नियम है हम किस कलर की रखना चाहते हैं। हाँ जी दोस्तों, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी कैट को किन किन रंगों से सजाना चाहते हैं। आपको जो कलर अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे वैसा करिए। आपको इन सारी कैट में से, यानी कि वाइट, ब्लैक, ब्लैक एंड वाइट एंड ब्लू, इन सारी कैट में से कौन सी कैट अच्छी लगी कमेंट प्लीज। कैट एंड वीडियो दोनों में से कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर प्लीज। और ये क्यूट सी कैट अगर आपको 1% भी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों ये समझदार और भोली भाली सी बिल्ली कैसे हाथ फैला कर बैठी है आपके मोबाइल का भार उठाने के लिए। चलिए जल्दी से लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू।